ओनली फ्यू डेज आर लेफ्ट, आपके हाथ में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है नेपाल एडमिशन के लिए। नेपाल में एडमिशन लेने के लिए लास्ट डेट है 1st of October। यहाँ पे कॉलेजेस में 50% से भी ज़्यादा सीट्स भर चुकी है। This is Sanchita here, an academic counselor of Pais Educare. Dear students and respected parents, Nepal government का official notification MSc registration के लिए application already खुल चुकी है, जिसका opening date था 3rd September से and जिसका ending date है 1st of October तक। Nepal में private medical colleges and government medical colleges में admission लेने के लिए Nepal Medical Commission हर साल एक form publish करते हैं, उसको MEC-CEE Medical Education Commission Common Entrance Examination कहलाती है। हर students के लिए ये MEC form fill up करना compulsory है। So, जितने भी students Nepal में private medical colleges एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो, आप लोग जल्द से जल्द 1st October के अंदर ये MSc का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.mac.gov.np। आप अपना ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स के साथ ये ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करिए एंड अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए। फॉर्म फिलअप का रजिस्ट्रेशन फीस है 5,000 rupees इंडियन करेंसी। नेपाल में एडमिशन लेने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंटेन करनी पड़ती है। नेपाल में एडमिशन लेने के लिए करंट ईयर में नीट पास होना मैंडेटरी है। यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए ओनली जनरल कैटेगरी का मार्क्स कंसिडर होते हैं। सो जिन स्टूडेंट के पास 137 नीट स्कोर है, सिर्फ वो ही स्टूडेंट नेपाल एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं। एंड यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए PCB यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट्स में 50% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने काफी दिनों से इंडिया के काउंसलिंग के लिए वेट कर रहे थे, लेकिन नीट का स्कोर 137 टू 250 के बीच में होने के वजह से एंड इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में कॉस्टली फीस होने के वजह से एडमिशन नहीं ले पा रहे थे, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए नेपाल एक बेहतरीन ऑप्शन है। नेपाल में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड इंडियन करिकुलम के साथ साथ बहुत सारे कॉलेजेस में अफोर्डेबल बजट के अंदर एडमिशन मिलने का ऑप्शन है। जाहिर सी बात है, नेपाल में जाने के लिए, नेपाल में एडमिशन के लिए आपको पासपोर्ट वीजा की कोई भी जरूरत नहीं है। सो आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, यहाँ पे 50% से भी ज़्यादा सीट्स भर चुकी है। सो जल्द से जल्द आप अपना MSc रजिस्ट्रेशन कर लीजिए ताकि आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए नेपाल में। एंड याद रखिए, नेपाल का एडमिशन सिर्फ और सिर्फ 1st October तक ही चलेगा, उसके बाद यहाँ का एडमिशन टोटली पोस्टपोन हो जाएगा। सो हरी अप एंड फुलफिल योर ड्रीम।